इथून टाकलं की अच्छा हा टाक आता डाइनिंग टेबल तो काय हे काय खातात ना ते काय व्हेजिटेबल्स खातात व्हेजिटेबल्स ग्रीन ग्रीन व्हेजिटेबल्स हा झोपला आहे का बाहेर आहे पिंजऱ्याच्या आणि हा पिंजरा खाली आहे आता तू फिरव पिंजऱ्यामध्ये ना असा येते घ्या तू
आप सूरज के इतने करीब हो, आपको गर्मी महसूस होनी चाहिए। ये क्या है? गैलेक्सी है ना, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। और देखो तो इसमें बहुत सारे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ येलो है, कुछ व्हाइट है, कुछ रेड है, कुछ ब्लू है। ये सारे के सारे डॉट्स क्या है? स्टार्स। मर्क्यूरी बुध ग्रह हमारे सोलर सिस्टम प्लैनेट की ओर चलते हैं। हम कौन सा होता है? सेकंड प्लैनेट वीनस। देखो ऐसी एक कहावत है कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। क्या होता है तीसरा प्लैनेट? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लैनेट चंद्रमा। आप सभी ने मून को देखा होगा, बट शायद इतने करीब से नहीं देखा होगा। और मून के डिफरेंट फेजेस भी होते हैं, फुल मून टू न्यू मून एंड न्यू मून टू फुल मून। कुछ इस तरह मून अपने फेजेस भी चेंज करते रहता है। नेक्स्ट मार्स ही है हमारे सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट। कौन सा होता है? मार्स। मंगल ग्रह दी रेड प्लैनेट, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और ये रेड इसलिए दिखता है क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन पाया जाता है। ये साउथ पोल है मार्स का और ये है मार्स का नॉर्थ पोल। फोबोस जो है ये मर्क्यूरी मार्स के बहुत ही करीबी ऑर्बिट में रेवोल्यूशन कर रहा है। जुपिटर गुरु ग्रह द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम फिलहाल हमारी अर्थ से भी विजिबल है। बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कुछ तो मिसिंग है सैटर्न में से, रिंग्स है ना। कौन सा होता है सेवंथ प्लैनेट? यूरेनस द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। एवरेज टेम्परेचर है -220 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के लास्ट प्लैनेट की ओर, विच इज नॉट फुल ऑफ वाटर। ये ब्लू इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ये सन के सबसे डिस्टेंट है। डॉग प्लैनेट कहते हैं इसे, है ना? क्यों इसे डॉग प्लैनेट कहते हैं? सोलर सिस्टम के रूल्स फॉलो नहीं करते।